योगी सरकार भले ही प्रदेश में बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का दावा कर रही हो, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे। मामला बांदा के जिला अस्पताल का है, जहां पिछले 24 घंटों से बिजली न होने के चलते मरीज बेहाल हैं। आलम यह है कि कई मरीज तो बिना इलाज ही वापस लौट रहे हैं और कुछ को डॉक्टर ही रेफर कर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। बताया जा रहा है कि इलाके के ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण बिजली नहीं आ रही। हालांकि अस्पताल में जनरेटर भी है, लेकिन इसके बावजूद अस्पताल प्रशासन जनरेटर का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जिसके चलते अस्पताल में भर्ती मरीजों का गर्मी से बुरा हाल है। खासकर प्रसूता महिलाओं और नवजात शिशुओं की स्थिति बहुत खराब है, जिसके चलते कई मरीज अस्पताल से छुट्टी लेकर घर जाने को मजबूर है। पानी की व्यवस्था नहीं है, लाइट की व्यवस्था नहीं है, इसलिए रिफर कर रहे हैं तो हम इलाहाबाद जा रहे हैं। लाइट कल से 12 बजे से नहीं थी, 3 बजे आई है, 3 बजे के बाद फिर सुबह टाइम चली गई, अभी तक नहीं आई। इसके बारे में आप नहीं सुन कर रहे हैं कि बच्चा में खतरा हो जाएगा, तो इसलिए हम जो रिफर कर रहे हैं इलाहाबाद के लिए। लाइट रात में नहीं गई, सुबह आई 1 घंटे के लिए, फिर चली गई, तब से आई नहीं। बच्चे परेशान थे, पूरी रात रो के रह गए। और क्या, इस तरह की गर्मी है अंदर, कहाँ से कोई रह पाएगा, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है। तो आप अपने मरीज को घर ले जा रहे हैं? वहीं अस्पताल प्रशासन सारा ठीकरा बिजली विभाग पर फोड़ रहा है। लाइट यहाँ जो बड़ा वाला ट्रांसफार्मर कल खराब हुआ है और उसी को बनवाया जा रहा है और उसी में इंजीनियर आए हुए बना रहे हैं, तो कल से लाइट की व्यवस्था है और बीच बीच लोग जनरेटर चला देते हैं और कुछ आधा घंटे के लिए बंद कर देते हैं जिससे जनरेटर गर्म हो। महिला हॉस्पिटल का हाल ये है कि वेंटिलेटर में जो बच्चे हैं उनको सबको डिस्चार्ज कर दिया गया है, ऐसे में जिला प्रशासन पर क्या कहना चाहेंगे? जिला प्रशासन नहीं, अब ये तो बिजली विभाग की गड़बड़ी है कि जो यहाँ प्रॉपर लाइट नहीं दे पा रहे हैं। बाकी हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य सेवा चल रही है और जितना संभव इलाज सबको दिया जा रहा है। प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल किसी से छिपा नहीं। स्वास्थ्य विभाग का ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी प्रदेश में इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग सुधरने का नाम नहीं ले रहा। पंजाब केसरी टीवी के लिए बांदा से जफर अहमद की रिपोर्ट।